नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और इस समय हम लोग निर्माण हिंदुस्तानी 4 की शूटिंग कर रहे हैं। मैं हूं मेरे साथ भोजपुरी की सुपर एक्ट्रेस अमरपाली जी और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक जी। कैसा लग रहा है लंदन में? अच्छा, कुछ लोग मुझसे अमरपाली जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि निरवा हिंदुस्तानी के 3 पार्ट बने, वो तीनों इंडिया बने, और ये लंदन का अचानक क्यों प्रोग्राम बना? तो मैंने बोला कि स्टोरी वैसी थी, बहुत सारे ऐसे पूछते, मैंने अचानक दिमाग में क्वेश्चन आया। फोर की जो स्टोरी थी वो हमारे पास बहुत टाइम से बनी हुई थी और हम लोग बहुत टाइम से चाहते थे कि हम यहाँ आके उस कहानी को शूट करें, और हमारा सौभाग्य है कि हमें अभिषेक जी जैसे इतने सक्षम और इतने जानकार प्रोड्यूसर लंदन बेस्ड, जो हमारे लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल करा के देने वाले प्रोड्यूसर हमको मिले, तब जाके हम आज हिंदुस्तानी 5 के टाइम पे इस स्क्रिप्ट को हाथ लगा पाए। क्योंकि हम कभी भी ऐसी फिल्म बनाते हैं, हम कभी भी कोई फिल्म तभी बनाते हैं जब हमको पता है कि हम अच्छे से शूट कर पाए, और उसमें आपका बहुत योगदान है। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमको इतने अच्छे से शूट, आपने कुछ चोरी की क्या? पुलिस नहीं, मोबाइल रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं रखा, पुलिस घूम रही है, अपना मोबाइल। दोस्तों मैंने 2 मोबाइल लिया है अभी, आईफोन से जो है देखिए ब्लॉग बना रहा हूँ और दूसरा जो है ओप्पो का है। हाँ, तो भी कंटिन्यू कुछ बोल रही थी आप। वी आर वेरी ग्रेटफुल सर कि आप इतना अच्छे से हमको शूट करा रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। एंड आप बताइए, आपको क्या लग रहा है फिल्म कैसी बन रही है? फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। निरवा हिंदुस्तानी 4 जो है एक बहुत बड़ी फिल्म होने जा रही है भोजपुरी जगत के लिए। स्पेशली जिस तरह से आप लोगों ने 1-2 टीम को प्यार दिया है, निरवा हिंदुस्तानी 2 टीम को प्यार दिया है, आफ्टर कोविड भोजपुरी जगत के लिए एक गेम चेंजर टाइप के लिए गेम चेंजर साबित होगी व्यूअर्स के बीच में। बहुत बड़ी मूवी है और जब मुझे इसका प्रपोजल आया साथ में काम करने का तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ, थोड़ा रिसर्च भी किया और मुझे लगा इससे अच्छी कोई फिल्म हो ही नहीं सकती है, एक हिंदुस्तानी फिल्म जो प्रदेश में शूट किया। तो यही मेरे लिए सौभाग्य है कि आप दर्शकों को मैं विदेश में निरवा हिंदुस्तानी 4 शूट करके व्यू करवाऊँगा। USP की बात है तो USP तो इस फिल्म में बहुत है। सबसे बड़ी USP क्या है, इस फिल्म का नाम ही निरवा हिंदुस्तानी, ये सिर्फ लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से। और एक बड़ा USP है इस फिल्म में भी, के लिए इस फिल्म की USP है सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीना। सच बताइए आप, इनको मोहब्बत हो गया, मोहब्बत हो चुकी है इनको। अब बताइए जो है लड़की जो है, अब गाँव के लड़के को लंदन में लाएंगे तो मोहब्बत तो हो ही जाएगी ना, गोरी लड़की सुंदर सी लड़की की बात बता रहा हूँ। मोहब्बत तो अंग्रेज को हो गई है लेकिन उसको इन्होंने हिंदुस्तानी बना दिया तो अब आयाज हिंदुस्तानी हो गई है। आजकल वो उनके लिए रोज आता था ग्रिल, आई ना फ्रेम में, फ्रेम बड़ा करिए ना, उनके लिए रोज आता था ग्रिल्ड चिकन और ग्रिल्ड वेजीज, आजकल दाल रोटी खा रही बड़ा। कल मैं लेके गई रेस्टोरेंट में, मैंने बोला कि पानी पूरी खाओगी, मेरे साथ पानी पूरी खाई, बोली ना दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डिशेस। उस दिन लंच में वो अचार मांग रही थी, कैन आई हैव सम पिकल, ये कब आपने सिखा दिया? क्या आपने छाप छोड़ी है, बस आप लोगों का प्यार है और इतना मैं जो है दिल से जुड़ता हूँ कि लोग जो है प्यार करने लगते हैं। और एक और USP है अमरपाली जी, फिलहाल मैं जा रही हूँ। अच्छा अमरपाली जी जा रही है, कोई बात नहीं है, तो थैंक यू। अच्छा थैंक यू सो मच, लव यू। आप लोग ने इतना टाइम दिया और दोस्तों आप लोग ऐसे आज हम ब्लॉग को देखते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए और हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल। और आप लोग एक बहुत अच्छा लोकेशन दिखलाता हूँ, सेंट पॉल चर्च, बहुत ही यूज है सेंट पॉल कैथोलिक चर्च। अरे आप ही बोल दीजिए ना यार, कुछ भी यार। हाँ नहीं आप बोलिए, नहीं मैडम बोलिए ना मैडम ठीक है। अरे पैसा आएगा तो पैसा दे दूंगा ना, आप अकाउंट में परसेंट कितना आएगा, जितना आएगा उसका जो है 25% दे दूंगा, और क्या 25% व्यूअर्स को भी दे दीजिए। अच्छा ठीक है तो क्या सेंट पॉल कैथेड्रल एल ये चर्च का नाम है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है, देखिए बहुत सारे लाखों लोग देखने आते हैं। चलिए आप सभी को प्रणाम, आपकी सुख सलाम, ऐसी आप लोग प्यार आशीर्वाद दुलार दुआ देते रहिए और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ऐसी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, इंटरटेन
करता रहूंगा। लव यू ऑल। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय भोजपुरी।